वेलकम बैक टू माय चैनल माई विले फॉर रेसिपी। आप देख रहे हैं जी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से और रहम से। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक अल्लाह पाक के फजल करम और रहम के साथ। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू, कंटिन्यू करते हैं। आज कोई रेसिपी नहीं है, आज एक छोटा सा व्लॉग है। व्लॉग आपको वीडियो के एंड वीडियो में पता चल जाएगा किस मौजू पर जो आज हमने व्लॉग बनाया है वो किस मौजू पर है। तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको अपने घरों में, अपने कारोबार में सेहत दे, काम में तरक्की दे। तो आज का व्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं, वो आज के आज आपके साथ हम शेयर करते हैं कि आज हमने किस मौजू पे जो है वो व्लॉग बनाया। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन को प्रेस करें, साथ आने वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियो के मिलते रहें। तो चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बातें बहुत हो गई। एक अंकल आए हैं तो उनसे हम ना भैंस के खुर बनवा रहे हैं। ये हैं वो अंकल, इनसे बनवा रहे हैं। तो ये नाहन जो जैसे इंसान के काटते हैं, जानवरों के भी काटने पड़ते हैं, तो ये ज़रूरी होता है। तो हम जो है व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप देखते रहिए, वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। काबू रखे तो ध्यान जो तो आने सीधी की ना उदो फोकस कर ले छोड़ ना अपना की ये देखिए फाइनली इसके जो नाहन हैं वो कट चुके हैं, देख सकते हैं आप, अभी बिल्कुल इजी चल सकती है। बहुत सारे उतरे इसके, बड़े बड़े हो गए थे काफ़ी। ये देख कितने कितने बड़े हैं, ये नाखन ही हैं इसके। हाँ जी, और ये हैं इनके कुछ अज़ार, इसकी मदद से ये काटते।
तो फाइनली काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं जी एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माय विलेज फूड रेसिपी को। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एक बार फिर, ठीक है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।